हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वाद की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मोम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो सोयाबीन और वेजिटेबल से बनाया है। तो चलिए देखते हैं, आइए। देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, जो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। बच्चे इन्हें बहुत पसंद से खाते हैं। हिमिन सोयाबीन से बनाऊंगी। सभी वेजिटेबल को काट कर एक ही प्लेट में मिक्स कर ली हूँ। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म है। अब इनमें हम सोयाबीन डालेंगे। मैंने खड़ा ही सोयाबीन को मिक्सर जार में ग्राइंड किया है भिगा कर। अब हम इसे अदरक लहसुन हरा मिर्चा का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच के अकॉर्डिंग। हम ये थोड़ा सा भूनेंगे। अब हम इसमें सब वेजिटेबल को डाल देंगे। सभी वेजिटेबल एक साथ ही भून लेंगे। अब हम इनमें सोया सॉस 2 चम्मच, विनीगर 2 चम्मच, ब्लैक पेपर 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, चीनी हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच के करीब। ऑप्शनल है चीनी, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी। देखिए हमारा वेजिटेबल भुना गया है। अब हम इसमें मैगी मसाला डालेंगे 1 पैकेट। अब हम इसमें हरा धनिया, हरा प्याज डालकर मिक्स कर देंगे। अब हमारा वेजिटेबल भुना गया है, हमारा टफिंग रेडी है। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। गाइस, मैदा गूंदने का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, इसमें मैंने नमक और तेल रिफाइंड ऑयल डालकर इसको गूंथा है। इसको हम छोटी छोटी लोइयां कर लेंगे, जो पूरी से छोटा होता है। देखेंगे इसे, मैंने इसे बेल लिया। इसको हम पतले ही बेलेंगे और इसे थोड़ा सा डालेंगे टफिंग। देखिए इसको दबाएंगे, फिर इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, दोनों साइड से धीरे धीरे प्लेट को डालते जाएंगे। देखिए हमारा मोम रेडी। बहुत आसान है इसे बनाना। देखिए फिर दिखाती हूँ। थोड़ा सा डालेंगे हम लोग और इसको पहले बंद करेंगे, फिर इधर से एक प्लेट, इधर से एक प्लेट, इधर से, इधर से, दोनों तरफ से धीरे धीरे प्लेट लेते चले जाएंगे, हिला हिला कर उंगली से। देखिए गाइस बन गया। चलिए
एक चम्मच के करीब हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं पानी में। पानी मैंने रख दिया पहले से ही गर्म होने के लिए, और इसमें एक एक करके रखेंगे। इसको हम थोड़ा दूर दूर रखेंगे, पास में नहीं, पास रहने से सड़ जाएगा। तेल मैंने इसलिए डाला ताकि भाप आएगा ऊपर तक। जो हमारा मोमो सटेगा नहीं। तो गाइस जैसे 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, तो देखिए हमारा मोमो कितना अच्छा बन के तैयार हो गया। अब एकदम चमक आ गया इस पर, इसका मतलब ये हो चुका है। अब देखिए मैं आपको इन्हें दिखा देती हूँ। देखिए गाइस कितना अच्छा बना है, पूरा अच्छे तरीके से पक चुका है। गाइस इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरा अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कैसा बना है। थैंक यू।